ये 70 साल से 70 साल से इतना ज्यादा महंगाई मैंने कभी भी नहीं देखा है। इमरान खान की गवर्नमेंट थी उस वक्त पेट्रोल के ऊपर 4-5 रुपए बढ़ते थे तो ये लोग ये कहा करते थे कि जी बहुत महंगाई हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है। पाकिस्तान और इमरान खान, हम लोग इमरान खान के साथ कल भी थे, आज भी थे और कितने हालात बुरे जाए उसके साथ ही रहेंगे। हम सब इस वक्त यहाँ पे उस इम्पोर्टेड हुकूमत की लाई हुई महंगाई की वजह से इकट्ठे हैं। महंगाई के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुल्क गिर एहतजाज, छोटे बड़े शहरों में आवाम सड़कों पर निकल आए। इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ भरपूर नारेबाजी, इमरान खान कुछ ही देर में खिताब करेंगे, आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे, खिताब बड़ी स्क्रीनों पर दिखाया जाएगा। इमरान खान कहते हैं हुकूमत नहीं संभाल सकते थे तो साजिश क्यों की, बदकिस्मती से मुल्क डाकुओं के हवाले कर दिया गया। महंगाई के खिलाफ किस शहर में किस जगह पर एहतजाज, कराची में शाहरा कायदीन, लाहौर में लिबर्टी चौक, इस्लामाबाद F9, पेशावर हश नगरी, मुल्तान चौक शाह अब्बास, फैसलाबाद घंटा घर में शहरी जमा हो गए, रावलपिंडी में कमर्शियल मार्केट और लाल हवेली पर एहतजाज किया जा रहा है, बहावलपुर, लोधरा, राजनपुर, खानेवाल और रहीम यार खान समेत कई शहरों में महंगाई के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज, लंदन में नवाज शरीफ की रिहायशगाह के बाहर कारकुन पहुंच गए। इन चोरों डाकुओं बदमाशों को नहीं मानते, शेख रशीद कहते हैं ये सब साजिश के तहत आए हैं। असद उमर ने कहा ये तब्दीली राणा सनाउल्लाह से रुकने वाली नहीं। फैसल जावेद बोले इंपोर्टेड हुकूमत खुद को रिलीफ और आवाम को तकलीफ देने आई है। महमूदुर रशीद ने कहा इमरान खान का कसूर यह है कि वो पाकिस्तान की बात करते हैं। NA 240 का इंतखाब कलदम करार दिया जाए, PTI का मुतालबा, इमरान खान ने कहा इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी मायूस कुन है, दोबारा शेड्यूल जारी करें, महज 8% वोटिंग, बड़े पैमाने पर एहतजाजी अमल से ला ताल्लुकी का इजहार है, तशद्दुद और धांधली के बावजूद इंतखाब कलदम करार न देने का फैसला बायस से ताज्जुब है। और सिंध में PTI रुकने सूबाई असम्बली शब्बीर कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया, इमरान खान का अली जैदी और इमरान इस्माइल से रब्ता, इमरान खान कहते हैं सिंध और पंजाब में फिस्ताई हुकूमतें गुंडागर्दी को फरोग दे रही हैं, जमहूरी मुल्क में पुलिस के जरिए ऐसी कार्रवाइयों की गुंजाइश नहीं होती, कातिल को वजारत दाखिला का कलमदान सौंप कर मुल्क को अनार्की की जानिब धकेला जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।